नमः शिवाय ऑल स्वीट सोल्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे चैनल ओम अभिलाषा प्यारा हो। फ्रेंड्स, टुडे आई एम हेयर टू शो माय वाइट वाइट किचन इन वाइट वाइट थीम। दोस्तों, आज बहुत दिन बाद मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है, कर रही है एक्चुअली वीडियो। सोचा कि पूरा किचन काउंटर टॉप का जब ऑर्गेनाइजेशन हॉल वीडियो बनाऊंगी तो तब डिटेल में शेयर करूंगी। तब तक मैं आप लोग के साथ में हाउ आई लव टू ऑर्गेनाइज अ किचन काउंटर टॉप कॉर्नर फॉर माय लव वंस इन समर, विंटर एंड रेनी सीजन। तो सब में फ्रेंड्स अलग अलग चेंजेस हो जाते हैं। नाउ समर इज गोइंग ऑन, तो डेट्स वाई आई एम शेयरिंग अ ग्लिम्प्स ऑफ किचन काउंटर टॉप कॉर्नर हाउ आई लव टू डेकोरेट। दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप सब लोग मेरे जो पुराने फ्रेंड्स हो जानते हैं कि आपकी अभिलाषा मैक्सिमम 15 डेज से ज़्यादा कोई चीज़ एक जगह पर रहने नहीं देती है, और आई एम फ्रेंटिक ऑफ डेकोर। चीज़ें हेयर एंड देयर करने से फ्रेंड बहुत नयापन आ जाता है। कुछ ही चीज़ मेरी ऐसी हैं जो अपने पर्टिकुलर प्लेस पर ही रहती, क्योंकि उनका या तो ऑप्शन नहीं है या फिर कम्फर्टेबल नहीं होता। ऑप्शन तो ऑलवेज पॉसिबिलिटी, बट कंफर्टेबल नहीं होता या फिर चलता है, ठीक है, हम लोग यूज टू हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए माय वाइट वाइट किचन काउंटर टॉप एंड ऑल वाइट वाइट कंटेनर्स, ग्लास जार्स। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि मैं वाइट में ही वाइट को मर्ज करूं, इसलिए ऑलमोस्ट मैंने जब से मेरा किचन रिनोवेट हुआ है फ्रेंड्स 3 ईयर्स होने के लिए आए, और बिफोर 3 ईयर्स मेरे बहुत कलरफुल था, पिंक इन किचन में कलर था और सारी चीज़ें कलरफुल थी। और तब रिनोवेशन के बाद में मैं 2013 में ही फ्रेंड्स डिसाइड किया था कि मुझे सब कुछ वाइट में ही करना है, और वाइट मेरा हमेशा से फेवरेट कलर रहा है। ये देखिए मेरा पूरा, आपको एक व्यू दे देती हूँ, देख रहे ना, वाइट वाइट है। और फ्रेंड्स, ये मेरा विंडो, पहले यहाँ पे ग्रिल थी तो उसकी वजह से यहाँ पे स्पेस इतना नहीं होता था। अभी हमने ये स्टोन लगाया है स्टोन का, तो इससे काफ़ी स्पेस मुझे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं कभी घर हर गार्डन अरेंज कर देती हूँ, कभी प्लांट्स, मनी प्लांट्स, और कभी कभी टी लाइट होल्डर या छोटी मोटी चीज़ें, जैसा कि आप अभी सब देख सकते हैं। मेरा थीम ऑरेंज भी नहीं कह सकते, गेरुआ एंड वाइट ग्रीन में जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इन कंटेनर्स में मैं क्या रखती हूँ, कब रखती हूँ, कैसे और क्यों रखती हूँ, वो आपको मैं किसी फ्यूचर में किसी डिटेल वीडियो में ही फ्रेंड शेयर करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो बढ़ी जाती है और इस वक्त इतना डिटेल वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं है और फ्रेंड्स मन भी नहीं है। मैं आप लोगों से एक मेरे मन की बात शेयर करना चाहती, दोस्तों बहुत ही दुखी मन और टूटे हुए दिल के साथ मैं आप लोग से कह रही हूँ कि ये सूरत का जो अग्निकांड हुआ है ना दोस्तों, उसने मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है, बिल्कुल ही तोड़ कर रख दिया। ऐसा लगता है ज़िंदगी से विश्वास ही उठ गया है। किस कदर बेचारे वो नन्हे मुन्ने बच्चे, ज़िंदगी के कितने सपने देखे होंगे, माँ बाप की आंखों के सामने जल गए, भुन गए, धड़ाधड़ ऊपर से गिर गए। दोस्तों, डेकोर का तो मन ही नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अपने आप को किसी के लिए अगर कुछ करना है तो हमें खुद भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहना होगा फ्रेंड्स, तभी हम इस संसार के लिए, इस संसार के जीवात्माओं के लिए कुछ अच्छा सोच सकेंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे। तहे दिल से मेरी तमन्ना है कि अगर मैं कुछ भी उन बच्चों के लिए, ख़ास तौर से उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ आह्वान करूँगी, मेडिटेशन करूँगी, और उन पेरेंट्स के लिए यदि कुछ कर पाती हूँ थोड़ा सा भी, उनको किसी प्रकार की शांति मेरे माध्यम से फ्रेंड्स अनुभव, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और आगे के जीवन में कोशिश करूँगी, हमेशा से कोशिश है इसकी, कि जो जिनको हेल्प की ज़रूरत है, अपाहिज है, अपंग है, किसी प्रकार से असहाय है, गरीब है तो भोजन, ऐसा अपंग है तो उनको कुछ तरह की फैसिलिटीज हम अरेंज कर सकें, इस पर दोस्तों मैं काम करना चाहती हूँ। आप लोग जो इंटरेस्टेड हो मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही दुखी मन से आपकी अभिलाषा आज आप लोग के से इजाज़त लेगी। फ्रेंड्स, बहुत ही हिम्मत करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था, मुझे बार बार बच्चों की चीख पुकारें याद आ जाती हैं, बट ज़िंदगी चलती रहती है, तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए दोस्तों मैंने आपसे मन की बात शेयर कर दी है। आई एम सॉरी अगर आप लोग कोई सुनकर, मुझे सुनकर हर्ट हो रहे हो,
मेरा उद्देश्य यहाँ पर आप लोगों को मोरल डाउन करना नहीं था, आप लोगों को दुखी करना नहीं था, लेकिन बस आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो। मैं इस अग्निकांड को दोस्तों भूल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरे मन से निकल ही गया, वरना तो मैं आपको हैप्पीनेस देने के लिए ही ये वीडियो बना रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, नमः शिवाय, थैंक यू वेरी मच ऑलवेज बीइंग विद मी टिल नाउ। आपकी अभिलाषा का इंतज़ार करिएगा और मुझे भी फ्रेंड्स आप लोग का इंतज़ार रहेगा। देखते हैं मदर नेचर फ्यूचर में क्या नया करवाती है। टिल देन फ्रेंड्स, बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी वेरी वेरी पॉजिटिव इन माइंड, ऑलवेज स्टे इन पॉजिटिविटी। दोस्तों ये आपकी अपनी ज़िंदगी है और ये आपका अपना घर है, अब जैसे चाहें वैसे सजाएं। दोस्तों ज़िंदगी का क्या भरोसा, कब किस क्षण हमारा ज़िंदगी का अंतिम पल हो, इसलिए हर पल दोस्तों कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा करें और हेल्प टू अदर्स, लव टू अदर्स, सबका सम्मान करें, सबको प्यार करें और सबसे पहले अपने आप को सम्मान करें, अपने आप को प्यार करें और अपने आप को स्वस्थ, खुशी, संपन्न रखने की हर पल हर क्षण निरंतर कोशिश करें। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो मेरे फ्रेंड्स आज मेरे साथ नए जुड़े हैं, एक मेरे साथ लंबी जर्नी करने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएं। ओम अभिलाषा प्यारा होम में काफ़ी सारे वीडियोस होम डेकोर, किचन, काउंटर टॉप के ऊपर हैं, आप वो देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको मेरी बातें, मेडिटेटिव माइंड अच्छा लगता है तो आप मेरा सेकंड चैनल #, गोल्डन एनर्जी पिंक वाइज आप सर्च करें, उसमें भी आप मेरे साथ जुड़ जाएं, तो आपकी मैं बहुत बहुत आभारी हमेशा से हूँ और रहूँगी। दोस्तों दोस्ती में तो आभार व्यक्त नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आभार व्यक्त करने से कहते हैं उन्नति होती है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत पॉजिटिव सा, लव यू ऑल, थैंक यू।